हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं ओरियो चॉकलेटी मिल्क शेक, जो कि बहुत ही टेस्टी लगेगा। गर्मियों का मौसम है तो आप ठंडा ठंडा मिल्क शेक ज़रूर बनाएं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और जो बच्चे दूध पीने में आनाकानी करते हैं, अगर आप उन्हें इस तरीके से दूध बना के देंगे तो वो मांग मांग कर आपसे दूध पियेंगे। और ये 2 मिनट में बन के तैयार भी हो जाएगा। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया 1 पैकेट ओरियो बिस्किट और 1 चॉकलेट और 1 टॉफ़ी ले लेंगे। 1 गिलास हम यहाँ पे ले लेंगे ठंडा दूध। ओरियो बिस्किट को हमने पैकेट से ही निकाल लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे और इसे ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। तो देखिए, आपको इस तरीके से आप हाथों से छोटे छोटे पीस कर लें इसके। अब हम यहाँ ग्राइंडर जार में दूध डाल लेंगे 1 गिलास। अब आप इसे अच्छे से ग्राइंड कर लें। तो देखिए, हमारा चॉकलेटी मिल्क शेक बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब यहाँ पे 1 गिलास ले लेते हैं और हम यहाँ पे 2 आइस क्यूब डाल लेंगे। गर्मियों का मौसम है तो ठंडा ठंडा चॉकलेटी मिल्क शेक बना लेते हैं, क्योंकि गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही है इस बार। तो अब हम यहाँ पे मिल्क शेक डाल लेते हैं। ऊपर से थोड़ा सा हम यहाँ पे चॉकलेट से डेकोरेट कर लेंगे इसे, ताकि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आए और ये बच्चों को देखने में ही बहुत पसंद आए। बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। अगर आप उन्हें उनकी पसंद की और हेल्दी चीज़ें खिलाना चाहती है, तो थोड़ा सा उनकी पसंद की भी अगर हम इसमें कोई चीज़ डाल दें तो वो बड़े शौक से खा लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से चॉकलेट को हमने ग्रेट कर लिया है और थोड़ा सा हम यहाँ पे ओरियो बिस्किट भी लगा लेंगे। तो देखिए, कितनी झटपट हमारा ओरियो मिल्क शेक बन के तैयार हो गया है। चॉकलेटी फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगेगा पीने में। आप इसे बच्चों को भी दें और आप भी पी सकती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है पीने में। और देखिए, 2 मिनट में बन के तैयार भी हो गया है। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगी आपको अगली ही एक ऐसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।